Hello student, today we are going to start an important topic of 11th chemistry, that is concentration. बच्चों आज हम इस टॉपिक में बात करें, इस वीडियो में स्टार्ट करूँगी मैं कंसंट्रेशन. ये आपका जो केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका आपका एक टॉपिक. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपका ये टॉपिक जो है बच्चों, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री. आपका ना केवल 11th में ही है आपका पूछे जाने वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन कवर किया जाता है इस टॉपिक से, बल्कि आपका जो आप 12th के बाद भी आप क्या करोगे, कोई कंपटीशन बेस्ड आपका कोई क्वेश्चनायर आप देखें या क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो आपको वहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता ही बनता है एक क्वेश्चन. तो आपको ये टॉपिक जो है ये आपको अच्छे से सीखना है. इस टॉपिक में हमें आपका सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं, और सॉल्यूशन की आपके के कौन कौन से मेथड है जिसमें हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का पता चलता है कि आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. ओके तो आपका सबसे पहले मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगी कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन. ओके तो कंसंट्रेशन जो है बच्चों, वो आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स है. सॉल्यूशन में अब आपका क्या है, सॉल्यूशन सबसे पहले आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जब हम किसी एक चीज में कोई दूसरी चीज को मिक्स करते हैं. ठीक है, सपोज आपका मैंने लिया वाटर H2O और इसमें मैंने मिक्स किया आपका सॉल्ट NaCl, तो वाटर को मैं क्या बोलूंगी बच्चों, सॉल्वेंट. ठीक है, आई होप आपको ये पहले आपने सुना हो, जिस में हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, पानी में मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व करना है, तो पानी आपका क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्ट जो है वो आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट. ओके तो अगर मैं आपका सिंपल डेफिनेशन पूछूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूशन आपका दो चीज़ों से मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जिसमें एक चीज़ आपकी सॉल्यूट होती है और दूसरा आपका सॉल्वेंट होना है. तो आप इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेंगे, आप सिंपल सा आपका ध्यान रखेंगे कि जिसको हम डिसॉल्व करते हैं दैट इज़ सॉल्यूट, और जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं दैट इज़ सॉल्वेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका ये सॉल्ट सॉल्यूशन ही ले लूँ, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन आपको मालूम है, सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने क्या दो चीज़ें ली होंगी, वाटर लिया होगा, और वाटर में क्या मिक्स किया होगा, NaCl मिक्स किया होगा, दैट इज सॉल्ट. ठीक है, तो आपका अगर पूछा जाए कि सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने कौन सी दो चीज़ें मिक्स की, ठीक है, तो आप बताओगे वाटर में हमने क्या मिक्स किया है, सॉल्ट मिक्स किया है. तो अगर मैं बोलूं कि इसमें आपका सॉल्ट सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. ओके तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है. ठीक, ओके फिर आपका आपका कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और kg ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, आपके किसी सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर के अंदर किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर या 1 किलोग्राम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन. ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपका कितनी क्वांटिटी में आपने सॉल्यूट ऐड किया, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन. ओके अब आपके सॉल्यूशन बच्चों दो तरह के होते हैं, सिंपल मैं इसको बताऊं कि आपको इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है. आपका सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है बच्चों आपका नोन सॉल्यूशन एंड अनदर इज अननोन सॉल्यूशन, सेकंड वन इज अननोन सॉल्यूशन. तो नोन किसे बोलेंगे, अननोन किसे बोलेंगे बच्चों, नोन जो आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो. अभी मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की, तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है आपका, नोन सॉल्यूशन है. नोन मतलब आपको जिसमें मालूम है कि आपने कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है, दैट इज नोन सॉल्यूशन. ओके एंड अनदर इज अननोन सॉल्यूशन, कि आपको कोई दूसरा प्रिपेयर करके दे रहा है तो वो आपके लिए क्या है, अननोन सॉल्यूशन है, जिसमें आपको ये नहीं मालूम कि आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है.
या आपका कितनी क्वांटिटी में उसमें सॉल्यूट ऐड किया गया है। ठीक है, आपने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, आपने सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, आपने कोई भी एनीथिंग दो चीज़ें आपने मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो जिसमें हम खुद प्रिपेयर करते हैं उस पर हमें क्या मालूम होती है उस सॉल्यूशन का, ये मालूम होता है कि उसमें हमने कितना क्वांटिटी में सॉल्यूट डिसॉल्व किया, या मैं उसको केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूँ कि उस सॉल्यूशन की नॉन सॉल्यूशन की आपको क्या पता होती है, कंसंट्रेशन पता होती है। आप कैसे पता होती है, अगर सपोज आप सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, वन ग्लास में आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, एक ग्लास की आपकी कैपेबिलिटी कितनी रहती है, मैक्सिमम 250 ml रहती है, तो 250 ml में सपोज आपने सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड किया 2 ग्राम, अगर आपने सपोज शुगर ऐड किया कि सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, तो आपका उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंसंट्रेशन मैंने बोला क्या है आपकी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में आपका कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। अगर आप 250 में 2 ग्राम सॉल्यूट डाल रहे हैं तो 1 लीटर में कितना डाल रहे हैं, 8 ग्राम, तो मतलब आपके इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे 8 ग्राम पर लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेशन किसे बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो आपके 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट होती है सॉल्यूट की क्वांटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। अब कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूशन की, उसको हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम 11th क्लास में इस चैप्टर में क्या करेंगे, सीखेंगे, तो आपको बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हम कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 1 इज़ नॉन सॉल्यूशन एंड अनदर इज़ अननोन सॉल्यूशन। तो नॉन सॉल्यूशन में तो हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्यों, बिकॉज हम उसको खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता है। बट आपके कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे आपका प्रैक्टिकल में है, आपका टाइट्रेशन बेस्ड आपका एक क्वेश्चन बनता है, आपका जो आपकी टाइट्रेशन है 11th 12th में आपकी केमिस्ट्री में 30 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें आपकी 8 मार्क्स की टाइट्रेशन है, तो वो टाइट्रेशन में क्या हम फाइंड आउट करते हैं, आपको एक सॉल्यूशन नोन मिलता है, एक आपको अननोन मिलता है, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन आपको खुद बनाना पड़ता है और एक सॉल्यूशन आपको टीचर बना के देता है। ठीक, आपको क्या करना होता है, अननोन सॉल्यूशन में आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में आपने सॉल्यूट उसमें टीचर ने डिसॉल्व किया। ठीक, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट बताते हैं, आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में पता करते हैं कि आपके गिवन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक, तो इस चैप्टर में मैं आपको हर वीडियो में एक एक मेथड आपका एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगी जिसमें आपका कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आप सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट मेथड है आपका मोलैरिटी, बहुत कॉमन मेथड आपका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या, आपकी मोलर कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आपका 11th के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 11th में आपका पूछा जाता है फाइंड आउट करने के लिए मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर और पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी की अब हम फॉर्मूला अगर मैं वो लिखूँ तो क्या लिखूँगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इफ वॉल्यूम गिवन इन ml milliliter, then molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in ml into 1000। अगर आपको volume of solution milliliter में given है तो आप क्या करेंगे, 1000 से multiplication करेंगे। If volume of solution given in liter, then आप 1000 से multiply नहीं करेंगे। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, यहाँ से आपका थियोरटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन बनना है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अब आपका, आप 11th क्लास में आ गए हैं, 10th तक का आपका जितना भी आपका पोर्शन क्या रहता है बच्चों, मार्किंग बेस्ड जो स्कीम होती है वो क्या होती है,
बहुत लीनियंसी रहती है कि बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत भी लिखा है तो उसमें मार्क्स गिवन हो दे दिए जाते हैं, ठीक है। बट अब आपका सीनियर क्लास में अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल जो आपका आया है, सपोज 2 मार्क्स में मोलैरिटी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछा गया, आपने पूरा न्यूमेरिकल सही लिखा है बट आपने उसकी यूनिट नहीं लिखी, तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है तुरंत अगर आपने किसी चीज़ के मेजरमेंट की यूनिट नहीं लिखी। तो आपको कोई भी आपका न्यूमेरिकल आता है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो आपने उसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। और आपकी मोलैरिटी यूनिट देनी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने कहा कि आपका हाफ मार्क्स आपका यूनिट पे डिडक्शन कर दिया जाता है। तो अगर आपको मोलैरिटी बेस्ड आपको कोई न्यूमेरिकल आया है तो आप कैलकुलेशन जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद आपकी उसकी क्या लिखोगे, यूनिट लिखोगे। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल लीटर इनवर्स और मोल पर लीटर। और सिंपल अगर आपको ध्यान नहीं रहती है तो आप सिंपल जो आपने कैलकुलेशन की है, सपोज आपका मोलैरिटी आई 0.01, उसके आगे अगर कैपिटल एम लिख लेते हैं तो ये भी आपकी क्या है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी है। ओके, अब नोट के बाद आप थोड़ा सा ये नोट कर लेंगे चीज। इसके बाद मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो मोलैरिटी है ये आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कितनी क्वांटिटी में आप क्या कर रहे हो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, कितने वॉल्यूम में आप क्या कर रहे हो सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, आपका जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का वो आपका बहुत क्या करता है यहाँ पे डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन की मोलैरिटी के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम है वो आपका मोलैरिटी उस पर डिपेंड करता है, और आपका टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट आपका मोलैरिटी पे क्या डालता है, अपना इफेक्ट डालता है, ठीक है। क्योंकि आपका एक नेचुरल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को किसी लिक्विड्स को क्या करते हैं हीट देते हैं तो आपका क्या होता है, वो वेपराइज होता है, दैट मीन्स वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। अब आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में आपका वॉल्यूम जब हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सपोज आपका जो मोलैरिटी थी कुछ और थी, अब आपका क्या है टेम्परेचर हमने किसी कंडीशन में आपका क्या किया है इंक्रीज किया है, तो आपका क्या हो जाता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपके सॉल्यूशन की क्या है आपकी मोलैरिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मोलैरिटी जो है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, अब आपके कुछ आपके टर्म्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। सपोज आपके पास 1 m दिया हुआ है, 1 M, दैट मीन्स मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, या 1 molar solution। ओके, 1 molar solution मतलब 1 moles प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट 0.5 M लिखा हुआ है, और इसी को हम m/2 भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। 0.1 और m/10 दैट इज डेसीमोलर, 0.0 m और m/100 दैट इज सेंटीमोलर, एंड 0.001 molar और m/1000 दैट इज मल्टीमोलर सॉल्यूशन। ये आपने ध्यान रखने हैं, ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको ये दिखाई देने को मिलेंगे। नाउ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इस मोलैरिटी के। आपके पास किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने इसमें एग्जांपल लिया है, अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH वेटिंग 0.38 g इज डिसॉल्वड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 50 ml इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोलैरिटी बेस्ड। एक सॉल्यूशन है आपका कास्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और NaOH, ये सब इन्हीं के नाम हैं, जिसमें आपका क्या है 0.38 g डिसॉल्व किया हुआ है वाटर में NaOH का, ठीक है, इज मेड टू 50 ml इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और सॉल्यूशन जो टोटल बनाया गया है वो 50 ml है, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको जो मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना बताया बच्चों, वो आपने नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप क्लियर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया है कि व्हाट इज सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। आपका सिंपल सा बोला हुआ है कि NaOH का सॉल्यूशन है जिसमें आपका 0.38 g डिसॉल्व किया हुआ है पानी में। तो ये आपको अपने आप ही समझना है कि जिसका सॉल्यूशन, अगर मैं सब सॉल्ट सॉल्यूशन बोलती तो सॉल्ट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स सॉल्यूट को डिसॉल्व किया होगा, सॉल्ट को डिसॉल्व किया होगा वाटर में। तो आपका NaOH का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स आपका NaOH को डिसॉल्व किया होगा वाटर में, ठीक है। तो जिसको डिसॉल्व करते हैं तो NaOH क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया आपका,
सॉल्वेंट हो गया, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, ठीक है। अब पूरा इन दोनों को मिक्स करके जो आपका सॉल्यूशन तैयार किया गया वो थी उसकी क्वांटिटी आपकी 50 ml, ठीक है। आपको इन दोनों से मिलके जो आपका सॉल्यूशन बना उसमें आपने उसकी मोलैरिटी बतानी है। अब आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि आपको वॉल्यूम ml में दिया हुआ है इसलिए आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसलिए मैंने इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बच्चों, अब आपने इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना सीख लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका विदाउट फाइंडिंग अगर हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो हम इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके नंबर ऑफ मोल्स वो हम जिस भी मटेरियल के या जिस भी सब्सटेंस के फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसका वेट जो आपको गिवन होगा अपॉन उसका मॉलिकुलर मास से हम उसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से, ये हम निकालते हैं किससे, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास एम अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम से। सपोज आपको सॉल्यूट का निकालना है, मैंने कहा NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्योंकि आपका मोलैरिटी में हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकालने हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये पता चल गया कि सॉल्यूट आपका मतलब जो डिजोल्व करने हैं वो NaOH है। सॉल्यूट को हम डिजोल्व करते हैं तो NaOH के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे यहाँ फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो आपको वेट चाहिए, WNaOH आ जाएगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना NaOH डिजोल्व किया 0.38 अपॉन एम NaOH, ठीक है। तो दैट मीन्स हम जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे उसका वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास से हम क्या निकाल देंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, ठीक। अब आपका ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बी आपका सॉल्यूट के लिए आता है, ठीक है, और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होता, तो डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो आपका फाइनल फार्मूला क्या बन गया, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख दूँ तो आपका मोलैरिटी बन जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी का फार्मूला कन्वर्ट होकर आपका ये लिख सकते हो आप, ठीक। अब आपने क्या है, गिवन लिख देना है क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, डब्ल्यू बी गिवन है मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मैंने कहा बी जो आएगा वो हमेशा सॉल्यूट के लिए आएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे नोट कर लें इसे, बी आपका सॉल्यूट के लिए आएगा, ए आपका सॉल्वेंट के लिए आएगा, ठीक है। अगर आपका डब्ल्यू डब्ल्यू ए लिखा है दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी लिखा हुआ है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गॉट इट, ओके। तो गिवन मैंने लिख दिया डब्ल्यू बी इज 0.38 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दे रखा है आपको 50 ml, मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे NaOH का, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाला कितना आ गया, आपको NaOH का मॉलिक्यूलर मास आप 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या आपका सोडियम एटम, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम। जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक ही सब्सटेंस बना देते हैं तो इस पूरे सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हमने निकालना है तो इनके एटॉमिक मास को हम प्लस कर देंगे, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसको जब हमने प्लस किया तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40, अंडरस्टूड। तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया सॉल्यूट का 40, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में ये क्वांटिटी पुट कर लेंगे। तो क्या आ गया आपका, फॉर्मूले में हमने क्वांटिटी पुट की जो गिवन थी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ डब्ल्यू बी की जगह आपके आ गया 0.38, 1000 एज इट इज़ रहेगा, एम बी मॉलिकुलर मास निकाला आपका आया 40 इंटू वॉल्यूम आपका 50, ठीक है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोलैरिटी आपकी आ जाएगी 0.19 एंड यूनिट इज मोल पर
लीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया, कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अंडरस्टूड? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH आर कंटेन इन 27 ml ऑफ 0.15 मोलर NaOH? ठीक है, कितने मोल्स आपके NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट होंगे 27 ml 0.15 मोलर NaOH के अंदर? ठीक, तो ये भी आपका सीधे आपको मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को से देख के पता चल जाएगा कि आप किससे निकालेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है इंटू 1000, ml में था, ml में वॉल्यूम गिवन है तो हमने इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया ml में। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं मैंने कहा, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को इधर ले आएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन में आ जाएगा आपका 1000। अंडरस्टूड? अब हम नंबर ऑफ मोल्स का मैंने कहा उसे दिखाते हैं, हम एन से किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, NaOH के, NaOH क्या आपका सॉल्यूट होगा, ठीक, तो एन बी हमने फाइंड आउट करने हैं, तो आपका मोलैरिटी आ गई 0.15, वॉल्यूम आ गया 27, 1000 एज इट इज रहेगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4.05 × 10⁻³। गॉट इट? ओके, तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट मेथड जिससे हम क्या निकालते हैं, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पूछा जाता है, मोलैरिटी पूछी जाती है सॉल्यूशन की फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं सॉल्यूशन की, और आप मोलैरिटी हम किसी सॉल्यूशन की किस तरह से निकालते हैं, ये आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपका सेकंड मेथड डिस्क्राइब करूं कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का, तो उसमें मैं आपका इसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।